उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र के गांव नियामत नगर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे और पथराव हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। देखते ही देखते इलाके में दहशत का माहौल भी व्याप्त हो गया। तो वहीं पथराव की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। एक पीड़िता ने बताया कि दबंगों ने पुलिस के सामने ही लाठी से मारा। पुलिस देखती रही तमाशा। दबंगों पर लगाम लगाने से थाना अध्यक्ष नाकाम दिख रहे हैं। थाना जहानगंज के गांव नियामत नगर का यह मामला है। क्या नाम है आपका? ये आदमी। गांव कौन था? नियामत नगर। अच्छा, किस बात का विवाद हुआ? ये विवाद खेत के पीछे हुआ है। कब से ये विवाद चल रहा है? ये विवाद 2-4 महीनों से चल रहा है। पापा मेरे से कह रहे हैं कि मतलब बांट लो, लेकिन इन्हें जो है बांटन नहीं दे रहे हैं। बताऊं, और मुजम्मिल सहीमुद्दीन गए खेत के, जब मेरे घर से मेरे बाप को और चचा को लिवाई के ले गए। मेरे भाई आए, कोई थे ना है। भाई आए थे ना है। जब हूं पहुंचे हैं तो हूं राइफल है डंडे और कम से कम ना 100-150 आदमी। तो मेरा बाप बचाई के चला आया कि मतलब यहाँ पे झगड़ा भीजे। हम 2 लोग हैं, मेरी गाय 2 लोग बुलाए और इधर से 100-150 आदमी गए और घरे आए। मेरुआ लौड़िया डंडे ले ले घुस पड़ी है, घर वालों को जेल ना दे रही है। अच्छा, इसको लेकर आपने कहीं शिकायत की जिला अधिकारी में? कहीं शिकायत की इससे पहले आपने? शिकायत मतलब जो गांव के पंच लोग कहते रहे बांट लो, लेकिन किसी के जो सहमति मान नहीं रहे। मेरे बाप ने पथराव फायरिंग हुई या नहीं हुई? पथराव पत्थर? हाँ, पत्थर चले जैसा फायरिंग आयरिंग। हाँ, कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस वगैरह प्रशासन आया? कुछ पुलिस आई? पुलिस आई मतलब तब भी ईटियाँ चलाते रहे हैं। मेरे घर पे हमला कर दिया, छतें मिली हैं। और जब हम निकले आए कि अपने भाई पास से चाबी लेने के लिए निकले हैं, तो सैमुद्दीन की नाजरीन मैना और उनका नाम मुसीदा घायल हुए। कितने लोग घायल हुए? मेरे भाई की कलाई टूटी गई है और एक जने की गर्दन में पुलिस के सामने डंडा मारा है। तो उनके जो तो मतलब टूटे हो या कुछ हो, पुलिस के सामने डंडा मारा, पुलिस के सामने डंडा मारा है। ऊपर टोले वाले आए नहीं, सहमुद्दीन गांव वाले। गांव कौन सा? अच्छा, किस बात पीछे जो गांव लड़ाई हुई आपके? खेत बैठने में था। खेत पे तो मारने वाले कई लोग थे? मारने वाले बहुत सारे। किस किस चीज से मारा? लाठी डंडा ही। तो घायल कौन हुए? कई लोगों को चोटें आई? 5-6 लोग। तो एक पथराव चला? था आपकी पुरानी रंजी थे या कब से? पुरानी रंजी चली जा रही बंटवारे के लिए? बंटवारे की अभी पुरानी रंजीत नहीं थी। खेत बैठने गया था। मेरे पिताजी ने कहा आप नब्बारो जितना फालतू होंगे छोड़ दूंगा, मतलब पूरा खेत नब्बारो जितना भी फालतू होगा मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद चलते रहे तो बढ़ोते हुए पूर्व प्रधान मतलब तीन उनके बेटे मुझे मिलो बताऊँ ने मतलब मेरा ये दंगा कराया। लाठी डंडो जिनने मारा उनका नाम क्या? पथराव किन्ने उनका नाम? सहीमुद्दीन आसिम शायद रजा तो वहाँ पर पुलिस पहुँची थी मौके पर? हाँ, पुलिस पहुँची। पुलिस के सामने मारा भाई तुम्हें? पुलिस के सामने मारा? हाँ, पुलिस के सामने मारा। पीछे मेरे भाई हैं, पुलिस के सामने हमको लाठी मारा। थाना कौन सा लगता है? डाल में। पुलिस के सामने मारा? हाँ। किस चीज़ से मारा? लाठी मारी नहीं, गर्दन की गर्दन पे यहाँ पे उसको छोड़ के दिया पुलिस। नियामतपुर से जो एक मामला आया है, किसके द्वारा लाया गया है? नियामतपुर से लड़ाई झगड़े का केस आया है और जिसमें 9 घायल हैं और वहाँ के थाना जहानगंज के होमगार्ड के द्वारा लाए गए हैं। अच्छा, लोहिया कितने रेफर हुए? 9 में से 6 को लोहिया के लिए भेजा गया है। उनकी हालत कैसे हैं? उनकी हालत जो है फ्रैक्चर वाली स्थिति है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको टूटे हुए हैं, किसी के पैर है, किसी के हाथ हैं, ऐसे टूटे हुए सस्पेक्टेड हैं। गंभीर लग रही थी उनको भेजा। और जब उनकी हालत कैसी थी? हाँ, बाकी लोग जो 3 बचे हुए हैं उनकी हालत ठीक है। बाकी 9 में से जो 6 हैं वो गंभीर प्रगति के लग रहे हैं। तो सब मिला के कितने आए थे? कुल मिला के 9 टोटल आदमी आए। तो कौन से थाने से आए थे? थाना जहानगंज के नियामत नगर भड़ौसा का मामला है।